नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। दोस्तों, हमारी टीम में एक नया मेंबर जुड़ा है, तो ये खुशखबरी की बात है। हम लोग टोटल 5 हो चुके हैं और पांचवा जो मेंबर है वो इंटरेस्टिंग बात लेकर आया कि हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटल जो है वो लाइव प्रोजेक्ट चलना चाहिए और सर मैं उसी पर काम करूंगा कम से कम 3 या 4 महीने। 3 या 4 महीने में वो इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा और इसकी जो कोर फंक्शनलिटीज हैं वो आप लोगों को दिखाई जाएंगी। पहली बात, उन्होंने जो है एक पीपीटी जो है वो जस्ट हम लोग कहें कि बनाई है या कहीं से लाए हैं पता नहीं, लेकिन ये पीपीटी जो है वो कहती है कि हम लोग जो हैं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाएंगे और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उसी पर काम कर रहा है। हमारे 500 लोग जो हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, अभी ESP.NET Core माइंड में है और मैं आप लोगों को एंगुलर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। हॉस्पिटल में जो जो एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड ये प्रोटोटाइप बनाया गया है। जैसे कि अगर आप लोग किसी डॉक्टर को सर्च करना चाहते हैं, कोई डिजीज लगी है आप लोगों को या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। सर्च के लिए आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, कोई भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो वो फिल करेगा, अपना नेम, लास्ट नेम, जेंडर फिल करेगा, एज हो गया, पासवर्ड, यूजर आईडी यानी यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह फिल करेगा, फोन नंबर भरेगा और नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट का मतलब है रजिस्ट्रेशन हो गया और आप लोगों का लॉगिन फॉर्म जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो यहाँ पर हम लोग यूजर टाइप देंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि हम लोगों को यूजर टाइप नहीं देना है, हम लोगों को इस पूरा का पूरा ही ऑनलाइन बनाना है, तो हम लोग इसको ऑनलाइन बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसको ऑनलाइन ही बनाएंगे, लॉगिन करेंगे अपनी यूजर नेम और पासवर्ड से, ठीक है। तो जैसे ही यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया जाएगा तो एक पेशेंट को दिया जाएगा तो उसे अपना जो रिलेटेड डाटा है वो ही उसको शो किया जाएगा और वो जो है वो एक फॉर्म फिल कर सकता है कि उसे पहले से कोई बीमारी है या नहीं है, जैसे अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, इससे रिलेटेड वो एक फॉर्म फिल करेगा। अदर है तो वो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जो है वो भर देगा, या उन्होंने पहले कौन कौन सी गलतियां की हैं उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन भर सकता है, जैसे अल्कोहलिज्म है, अस्थमा, लंग डिजीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एटसेट्रा, ये सभी जो डिजीज हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो मेडिकल डिपार्टमेंट को देगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म फिल कर देने के बाद जो है एडमिन की बारी आती है कि एडमिन क्या कर सकता है। सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, सिटी। अगर हम लोग इसे मल्टीपल हॉस्पिटल्स के लिए बनाएं तो बात अलग है, हम लोग सिर्फ एक हॉस्पिटल के लिए इस प्रोजेक्ट को एक बार के लिए बनाएंगे। यहाँ पर जो हॉस्पिटल की डिटेल है जैसे कि हॉस्पिटल नेम, एड्रेस और सिटी एक बार के लिए भर दिया जाएगा। उसके बाद में जो हॉस्पिटल का है उसमें डॉक्टर असाइन किया जाएगा, डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, स्पेशलिस्ट वो किसमें हैं, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है वगैरह वगैरह उसका भर दिया जाएगा। उसके बाद में डॉक्टर इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद में आप लोगों को एक लिस्ट दिखा दी जाएगी एज यूजुअल जैसा कि आप लोगों को मिलता है, और वो उसे क्या कर सकता है, एडिट, डिलीट जो है सिर्फ एडमिन कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर का एक अलग पैनल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोल्स हो गए, एक तो पेशेंट का हो गया, एक डॉक्टर का हो गया और एक एडमिन का हो गया। एंड फाइनली यहाँ पर एडमिन जो है पेशेंट की डिटेल भी चेक कर सकता है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फीडबैक भी देख सकता है कि उसके पास क्या फीडबैक्स आए हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर डॉक्टर्स को अपॉइंट करना है किसी चीज़ को तो हम लोग मैसेजेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैसेज की फैसिलिटी जो ईमेल की है वो भी हम लोगों को दी जाएगी, ठीक है। पेशेंट आईडी अगर हम लोग सर्च करना चाहें तो पेशेंट को अगर हम लोग आईडी वाइज सर्च करना चाहें तो आईडी वाइज भी सर्च कर सकते हैं और पेशेंट की डिटेल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एडमिन चाहे तो कुछ भी ये जो डिटेल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकता है कि फिलहाल क्या है। शेड्यूल जो है अपॉइंटमेंट फॉर पेशेंट्स के लिए जो शेड्यूल जो है वो कैसे बनाया जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम और डेट उसमें दिया जाएगा ताकि हम लोग उसे मेंशन कर सके। तो शेड्यूल जो है ऑनलाइन ही हम लोग करेंगे, डॉक्टर अपॉइंटमेंट जो है वो हम लोग ऑनलाइन करेंगे और शेड्यूल्स जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, डॉक्टर उसे कन्फर्म करेगा कि यस वो आ सकता है इस शेड्यूल्स के हिसाब से। बारी आती है लैब के बारे में, लैब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, पेशेंट की आईडी आएगी और लैब्स के बारे में जो भी टेस्टेड होंगे, जो भी लैब टेस्ट किए जाएंगे उनके बारे में उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, साथ ही रिसिप्ट नंबर होगा, उस रिसिप्ट के जो डाटा है वो हम लोग एक
हम लोग कहेंगे कि जो डाटा है एक्चुअली में वो कहाँ पर कंप्यूटराइज इमेज फॉर्मेट में आप लोगों के सेव कर दिया जाएंगे और वो पर्टिकुलर किसी पेशेंट से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट आप लोगों को निकल कर आएगी। ठीक है, तो रिपोर्ट इन शॉर्ट सक्सेसफुली हो गई। पेशेंट नेम जो है गेट लैब रिपोर्ट भी हम लोग उससे निकाल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट नेम क्या रहा, टेस्टेड बाई है, टेस्ट किसने किया है, तो डॉक्टर आईडी भी उसमें एसोसिएट होगी पेशेंट वाली, उसमें टेबल के अंदर जो लैब रिपोर्ट्स हैं कि कौन सा डॉक्टर असाइन किया गया था, पेशेंट की आईडी क्या थी, कौन सा टेस्ट किया गया था। तो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट भी होते हैं, जैसे लैब टेस्ट के नाम से अगर हम लोग एक क्लास बनाएं या हम लोग एक मॉडल बनाएं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के नेम होते हैं लैब टेस्ट, तो उसकी जो आईडी जनरेट होती है वो हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे। तो ये भी आप लोगों के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के पास बन जाएगी। आप लोग प्रोफाइल को एडिट वगैरह कर सकते हैं, सर्च वगैरह कर सकते हैं। इसमें हम लोग इंश्योरेंस का पार्ट जो है वो भी ऐड करेंगे कि इंश्योरेंस अगर किसी के पास है तो वो कैसे मैनेज की जाए। तो पूरा ईआरपी सिस्टम है एक्चुअली में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप लोग इस पर काम करेंगे तो 6 से 7 महीने 8 महीने लग जाएंगे आप लोगों के। वो बंदा जो है वो लगातार लगा हुआ है, पांचवा जो बंदा है, और वो कहता है कि सर हमारी हेल्प कर दीजिए, हम लोग बना रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन ही सारे कनेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पे किया है 10,000 रुपीज़, और वो जो है मेरे से कनेक्टेड हैं। मैं उन्हें सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ हर चीज़ों को जो है, सिखाना जो है वो बहुत अच्छी बात होती है, इससे आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो वो मेरे साथ कनेक्टेड है। मैंने जैसा आप लोगों के पास डाला था लास्ट में, अगर आप लोग देखें कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने कुछ डाला है कि आप लोगों के पास जो है 10,000 रुपीज़, आप 5,000 रुपीज़ लगेंगे, कुछ ऐसा डाला था मैंने। ठीक है, तो उनसे ही कनेक्टेड होके वो मेरे पास आए हैं सारे के सारे, और ये ऑनलाइन यूजर ही हैं जिनकी मैं ऑनलाइन जो है मदद करता हूँ ASP.NET Core के अंदर, बेसिकली ASP.NET Core के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी फीचर्स जो हैं वो ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे कि कौन कौन सी फीचर्स जो है ऐड हुई। अब चलिए हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट करके। बेसिक से आप लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोगों का ईआरपी जो सिस्टम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वो आप लोगों को बेसिकली तैयार करना है। इसमें आप लोगों को हमेशा एज यूजल ASP.NET Core वेब ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ASP.NET Core मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और बाकी के जितने भी पेंडिंग्स प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होते आ रहे हैं, और जैसा जैसा टीम को जो है वर्क मिलता है वैसे वैसे वो लोग काम करते हैं। बीच में कोई अदर वर्क आ जाता है इसीलिए वो उन्हें स्किप कर देते हैं, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर अलग अलग बंदा काम कर रहा है, तो डोंट वरी, आप लोगों के काम हो जाएंगे। लेकिन बीच में किसी भी आप लोगों का भी काम, अगर आप लोगों को हो, आप लोगों के स्टूडेंट है और आप लोगों को ये प्रोजेक्ट चाहिए है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग असाइन कर देते हैं दूसरा मेंबर। तो आप लोग मुझे क्वेरी कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, आप लोग इस पर काम कीजिए, हम आप लोगों को पे कर देंगे, तो वैसे भी काम होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है और आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट चाहिए है तो उस पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए आप लोग पहले बताएं और कम से कम 15 दिन का मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद में वो काम होता है। ठीक है, 15 दिन पहले मुझे बताया जाता है कि सर इस पर काम करना है और आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो कंपनीज के प्रोजेक्ट भी आते हैं, आउटसोर्सिंग वो लोग करवाते हैं, तो हमारी टीम जो है उसमें काम करती है। ASP.NET Core वेब मॉडल व्यू जो कंट्रोलर है उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। यहां पर आप लोगों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हम लोग ये प्रोजेक्ट जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से रख लेते हैं, और यहां पर हम लोग वेब प्रोजेक्ट रख लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है हम लोगों को क्या रहेगा, आइडेंटिटी सेटअप करना रहेगा, एरिया सेटअप करना रहेगा। हम लोग 3 एरियाज बनाएंगे, पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए और एडमिन के लिए। 6.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट में ही हम लोग रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों के पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट वेब के नाम से आप लोगों के पास प्रोजेक्ट आ चुका है। एज यूजुअल जैसा कि हम लोग आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को किस हिसाब से डिवाइड करना है वो हम लोग बता देते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, या एंटिटीज भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट में हम लोग हमेशा ही डिवाइड करते आए हैं, और हमेशा ही वही जो स्ट्रक्चर है हमारा वही हम लोग रखेंगे। तो ये हो गए हमारे पास मॉडल्स, एंड द फाइनली आप लोगों के पास एक नया प्रोजेक्ट भी ऐड करना है आप लोगों को व्यू मॉडल्स के नाम से। तो फिर से लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पर लिखें हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट
व्यू मॉडल्स। तो यहाँ पर जितने भी व्यू मॉडल्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। व्यू मॉडल्स की आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ज़रूरत होती है। अब हम लोग रिपोजिटरी बनाएंगे और उसके बाद में सर्विस बनाएंगे। तो एक और नया प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट रिपोजिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिपोजिटरीज ऐड कर ली। रिपोजिटरीज में बेसिकली आप लोगों की डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है, तो वो हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, ये रिपोजिटरीज आप लोगों के पास हो गई। एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास नया व्यू मॉडल आप लोगों के क्लास लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट सर्विसेस। ठीक है, तो ये आगे आप लोगों के पास हो गई सर्विसेज, जितनी भी हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज थी वो सारी आ गई आप लोगों के पास। एंड फाइनली इस आप लोगों को एक हेल्पर क्लास की भी ज़रूरत होगी, जिसे हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। तो हमेशा ही प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है, उसी प्रकार से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी के बेस पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट को, सर्विसेज हो गया, रिपोजिटरीज हो गया आप लोगों के पास, एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास वेब हो गया, मॉडल्स हो गए, रिपोजिटरी हो गई, सर्विसेज हो गए, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग वेब के अंदर काम करते हैं। वेब के अंदर सबसे पहले हम लोग एरिया बनाएंगे। तो एरिया बनाने के लिए राइट क्लिक हम लोगों को करना पड़ता है। और एरिया हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि न्यू स्कैफोल्ड आइटम्स हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। न्यू स्कैफोल्ड आइटम जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो कॉमन के अंदर जो है आप लोगों के पास एमवीसी एरिया आते हैं। यहाँ पर तीन एरिया हम लोगों को चाहिए हैं। सबसे पहला हम लोगों को चाहिए है एडमिन, तो हम लोग एडमिन जो है वो सबसे पहले यूज करेंगे। और जितने भी पैकेजेस हैं आप लोग अपडेट करके चलेंगे, याद रखना। कोई भी अगर आप लोगों के पास पैकेज नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोगों को पैकेज ही अपडेट करना है। ठीक है, एंड द फाइनली इज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाएंगे। स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ही हम लोग आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया आप लोगों का सेट हुआ एडमिन, एंड द फाइनली इज आप लोगों को ऐड करना है दूसरा एरिया। यहाँ पर एमवीसी एरिया लिखा हुआ है, उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है, लिखना है डॉक्टर। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को लिखना है पेशेंट। तो ये तीन एरियाज आप लोगों के हो चुके हैं। अलग अलग एरिया का अलग अलग टास्क होता है, इंडिविजुअल टास्क होता है, उसे आप लोगों को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर एरिया बन चुका है, एंड द फाइनली इज आप लोगों को पेशेंट एरिया बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं पेशेंट का एरिया। तो ये तीन एरियाज मैंने बेसिकली इसमें ऐड कर दिए हैं। एंड उसके बाद में आप लोगों को क्या ऐड करना होता है, मॉडल्स ऐड करने होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सारे के सारे मॉडल्स जो है वो ऐड कर देते हैं इसमें प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास, तीन एरिया आप लोगों के पास हो चुके हैं। देखिए, मॉडल्स की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती इसमें, ना ही हम लोगों को डाटा पार्ट की ज़रूरत होती है। तो दोनों ये डिलीट करें सबसे पहले आप लोग। ठीक है, एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास डॉक्टर की भी डाटा और मॉडल्स में आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये वन बाय वन आप लोगों को डिलीट करने हैं। पेशेंट एरिया में चलते हैं हम लोग, डाटा और मॉडल्स की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को मेन जो टास्क होता है आप लोगों को जेनरिक रिपोजिटरी से रिलेटेड होता है। तो जेनरिक रिपोजिटरी जो है बेसिकली आप लोगों को रिपोजिटरी सेक्शन में मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को तीन चीज़ें बनानी है रिपोजिटरीज के अंदर, जेनरिक रिपोजिटरी बनाना और यूनिट ऑफ वर्क बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ये जेनरिक रिपोजिटरी यूनिट ऑफ वर्क हमेशा एज यूजुअल वैसा ही बनाते हैं जैसा कि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली रिपोजिटरीज में ऐड करना पड़ता है ऐड न्यू इंटरफेस। तो एक नया इंटरफेस हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं आई जेनरिक रिपोजिटरी। और इस आई जेनरिक रिपोजिटरी को हम लोग पहले तो सबसे पहले पब्लिक बनाएंगे, उसके बाद में टेम्पलेट क्लास जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारे पास पहले से कोड है। ठीक है, जो जो सिस्टम का बना हुआ है उन्होंने जितना भी बनाया है उसके हिसाब से हम लोग ये जेनरिक रिपोजिटरी बना रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जेनरिक रिपोजिटरी को।
ये जो आई निर्भर टी और कैटोल है, इसमें आप लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी को फाइंड करने के लिए, x टेंस टू x डॉट आई डी इज डबल इक्वल्स टू आई डी, वो तो गया आप लोगों का फिल्टर। या इक्वेरेबल डाटा आप लोग बना सकते हैं, आई ऑर्डरेबल डाटा आप लोग ऑर्डर का एसिंक्रोनस ऑर्डर मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आप लोग बना सकते हैं इसको, और इंक्लूड प्रॉपर्टीज भी आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रूम्स निकालने हैं या आप लोगों को डॉक्टर वाइज पेशेंट निकालने हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो इंक्लूड प्रॉपर्टीज हो गई आप लोगों की, ये एरर है, इसे कंट्रोल डॉट से नेम स्पेस से दूर किया जा सकता है। ये आप लोगों को मिलेगा यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक डॉट एक्सप्रेशन के अंदर, तो इजिली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गेट ऑल, गेट बाई आई डी ऑब्जेक्ट आई डी है, और गेट बाई आई डी एसिंक ऑब्जेक्ट आई डी है, एड एड एसिंक आप लोग दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट अपडेट सिंक है, डिलीट डिलीट एसिंक है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की जेनरिक रिपोजिटरी और जेनरिक इंटरफेस है, इसे अब हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, क्लास चाहिए जेनरिक रिपोजिटरी सेक्शन के अंदर ही, तो हम लोग एक नई क्लास ऐड कर लेते हैं इसमें, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं जेनरिक रिपोजिटरी। आई जेनरिक रिपोजिटरी थी, जेनरिक रिपोजिटरी है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आई जेनरिक रिपोजिटरी से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग जस्ट पेस्ट कर लेते हैं, एंड फाइनली इज आप लोग ये देख पा रहे हैं कि आप लोगों के पास डिफरेंट लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एरर आप लोगों के पास आ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इनको रिमूव भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आई डिस्पोजेबल है, आई डिस्पोजेबल का मतलब सीधा सा होता है जितने भी रिसोर्सेस आप लोग यूज करते हैं उन्हें डिस्पोज करना जरूरी होता है जब आप लोग जेनरिक रिपोजिटरी तैयार करेंगे या यूज करेंगे, और बेसिकली हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी ही यूज करेंगे हर चीज में, तो वो डिस्पोज करके चलेगा सभी रिसोर्सेस को। आई जेनरिक रिपोजिटरी आप लोगों ने अभी देखी थी कि इंटरफेस था, और उसमें हम लोग जो है यूज करेंगे उसको, और सॉरी इंप्लीमेंट इंटरफेस मैंने यहाँ पर किया है तो गलत हो गया, क्योंकि ये आप लोगों को डिस्ट्रक्ट करेगा और गलत दिशा में लेकर जाएगा। ओके सॉरी नहीं हुआ, तो बेसिकली आप लोगों का क्योंकि इंप्लीमेंट था पहले से ही, अगर कोई एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें लगा होगा तो हम लोग बाद में उसको डिलीट कर देंगे वन बाई वन चेक करने के बाद। तो आई जेनरिक रिपोजिटरी हो गया। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, हम लोगों ने अभी तक बनाई नहीं है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और डीबी सेट का काम क्या है, हम लोग यहाँ पर इनको जो है यूज करेंगे, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक ओआरएम होता है। वो क्या काम करता है, आप लोगों के जो मॉडल्स होते हैं और आप लोगों का जो फिजिकल डाटाबेस होता है उनकी कनेक्टिविटी आपस में करवाता है, टेबल से डाटा को फेच करने का काम करता है। तो यही काम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, डायरेक्टली लिंक होता है आप लोगों के डाटाबेस के साथ। तो यही है जो कि आप लोगों के डाटाबेस में डाटा को ऐड करने के काम आएगा, डिलीट करने के काम आएगा, या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आएगा। तो यहां पर सबसे पहले इसको इनिशियलाइज किया, डीबी सेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट को डाला, तो अब हम लोग डीबी सेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं आप लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर, जेनरिक रिपोजिटरी के अंदर। अगर आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हैं ASP.NET Core के, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ऐड किया तो डीबी सेट डॉट ऐड आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि डीबी सेट में है क्या, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टी, टी का मतलब टेम्पलेट क्लास, चाहे वो कैटेगरीज की हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो रूम्स की हो। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रूम्स डॉट ऐड एंटिटी, एंटिटी यानी कि जो भी एंटिटी आप लोगों के पास आएगी वो ऐड हो जाएगी। ऐड एसिंक आप लोगों ने लिखा तो यही है, डीबी सेट डॉट ऐड एंटिटी, रिटर्न एंटिटी कर दी जाएगी। डिलीट आप लोगों को लिखना है एंटिटी स्टेट, एंटिटी स्टेट तो आप लोगों को मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल पैकेज, पैकेज में हम लोग बाद में ही इंस्टॉल करेंगे, सभी पैकेजेस जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर एक बार के लिए हटा देते हैं ऐसे ही। सिमिलरली आप लोगों के पास डिलीट एसिंक है, तो ये भी आप लोगों को देखिए, कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री डॉट एंटिटी डॉट स्टेट, एंटिटी स्टेट डॉट डिटैच्ड नहीं है तो हम लोग अटैच कर लेंगे और फिर रिमूव कर देंगे, ठीक है। और डिस्पोज हो गया आप लोगों का, डिस्पोज ये भी हो गया आप लोगों का, एंड कैटोल फंक्शन सबसे ज्यादा काम आने वाला फंक्शन यही है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों के पास इंक्लूड प्रॉपर्टीज हैं। इंक्लूड तो आप लोगों को लिंक में मिल जाना चाहिए शायद, आई होप। तो ये जो है इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ये देखिए यहां पर इंक्लूड आप लोगों को नहीं मिला, कंट्रोल डॉट में नहीं मिल रहा है, तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, हम लोग सारी की सारी क्वेरीज जो है इजिली सॉल्व कर देंगे। तो ये गेट ऑल है, गेट बाई आई डी आप लोगों के पास हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप है, गेट बाई आई डी एसिंक आप लोगों के पास हो गया, अपडेट में एंटिटी स्टेट आप लोगों के पास हो गया, और अपडेट एसिंक आप लोगों के पास हो गया।
ये जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि get all जो फंक्शन है वो बेसिकली एक्स्ट्रा बन गया है, तो हम लोग इसे डिलीट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग डिलीट करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप लोगों के पास एरर आने लग जाएगा। आप लोग देखना आई जेनरिक रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है, जब आता है तो हम लोग उसे रिजोल्व करेंगे। तो ये आप लोगों के पास जेनरिक रिपोजिटरी है। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो हमारा यही रहेगा कि हम लोग जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करें, ठीक है, कौन कौन सा पैकेज कहाँ कहाँ चाहिएगा वो पैकेज इंस्टॉल करें, साथ ही आइडेंटिटी को इंस्टॉल करें। तो बेसिक जो टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट भी आप लोगों को ऐड करनी है, मॉडल्स भी आप लोगों को ऐड करने, तो वो सारा का सारा टास्क हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो जेनरिक रिपोजिटरी आप लोगों ने देखा, ये थी आप लोगों के पास जेनरिक रिपोजिटरी। एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड होनी चाहिए थी, तो रिपोजिटरीज के अंदर ही हम लोग जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पैकेज ऐड करेंगे, तो मैनेज न्यू गेट पैकेज पर हम लोग चलते हैं। यहां पर ब्राउज के अंदर आप लोगों को लिखना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो नीचे आ गया है, बहुत बार किया हुआ इसीलिए ये ऑटो पॉपअप में दे देता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो पैकेज है वो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी वाला पैकेज करेंगे, तो आइडेंटिटी आप लोग बेसिकली लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। तो आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखा, और आप लोग ये देखिए कि आप लोगों के पास ये रहा आप लोगों का पैकेज, एंड फाइनली 6.0.9 आप लोगों का स्टेबल वर्जन है, तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ वो आप लोग इंस्टॉल में चेक कर सकते हैं, यस इंस्टॉल हो चुका है। एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास SQL सर्वर का भी पैकेज होना चाहिए, तो SQL सर्वर में भी आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क और SQL सर्वर ही इंस्टॉल करना है, और ये भी फाइनली आप लोगों का ऐड हो चुका है। एंड द इंस्टॉल देख लेते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोगों को टूल्स पैकेज जो है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग माइग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये पैकेज भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के पास तीन पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजोल्व हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और हम टूल्स यहाँ से हटा देते हैं और इंस्टॉल पैकेज हम लोग चेक कर लेते हैं, ये इंस्टॉल पैकेजेस हैं, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग जो है नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक फाइल सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं नया आइटम, ऐड न्यू आइटम, और इसमें हम लोग क्लास जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एंड द फाइनली इज हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्कोप्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर ये स्कोप था, ओके। तो अब हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट पर कंट्रोल एंड डॉट की दबाते हैं। कंट्रोल एंड डॉट की दबाने के बाद आप लोग ये चेक करेंगे कि नेम स्पेस रिलेटेड एरर्स हैं तो वो दूर हो जाते हैं, और ये ऑप्शंस पर भी कंट्रोल और डॉट की आप लोगों को दबाना है तो ये एरर भी आप लोगों का दूर हो जाता है। अब हम लोग इसमें कुछ मॉडल्स ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को मॉडल्स ऐड करने होंगे हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर। तो रिपोजिटरी वाला जो पोर्शंस है एक बार के लिए हम लोग होल्ड कर देते हैं, और दोबारा से हम लोग चलते हैं हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर। मॉडल्स में हम लोगों को सारे के सारे मॉडल्स ऐड करने हैं, तो बेसिकली हम लोग जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही करेंगे, वन बाई वन हम लोग ऐड नहीं करेंगे, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं सारे के सारे मॉडल्स। अब हम लोगों को इनका नेम स्पेस जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नेम स्पेस दूसरे वाले प्रोजेक्ट्स के एसोसिएटेड हैं, तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और अनयूजिंग जो है वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे, रिमूव एंड शॉर्ट्स यूजिंग्स। तो बाकी के सारे हट जाएंगे, यहाँ पर जो काम का है वही आप लोगों के पास यहाँ पर रहेगा, पहली बात। दूसरा, आप लोगों को देखिए नेम स्पेस जो है वो हॉस्पिटल डॉट मॉडल्स लिखा हुआ है, तो आप लोगों को हॉस्पिटल जहां पर भी है वहां पर आप लोगों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट लिखना होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जस्ट मैं कॉपी कर ले, सॉरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम लोगों को लिखना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, बाकी एवरीथिंग आप लोगों का सही है। आइडेंटिटी यूजर है तो हम लोगों ने मॉडल्स में आप लोगों का एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं किया है, सो फाइनली हम लोग सबसे पहले मैनेज न्यू गेट पैकेज और एंटिटी यानी कि आइडेंटिटी वाला जो पैकेज है वो सबसे पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि हम लोगों को कौन सा करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी नेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो ये मॉडल्स में भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए मॉडल्स में हम लोगों ने ऐड कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एंड द आइडेंटिटी यूजर पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को जेंडर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे हैं, तो देखिए यहाँ पर जेंडर बना हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से, तो हम लोगों को ये जो प्रोजेक्ट नेम है यानी कि इन्यूमरेशन जो नेम है वो हम लोगों को चेंज करना है, तो जेंडर ऑटोमेटिकली रिजर्व हो गया। तो ये इसकी एंटिटीज हैं, आप लोग देख सकते हैं जो फील्ड्स हैं, नेम है जैसे जेंडर है, नेशनैलिटी है, एड्रेस, सिटी, डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशलिटी, स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डॉक्टर है या नहीं है, पिक्चर URI क्या है, डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट, पे रोल एंड पेशेंट रिपोर्ट। तो बाकी के लिए हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, जहाँ पर भी पहले तो हॉस्पिटल लिखा हुआ है उसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट लिखा हुआ है एंटायर सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर देखिए रिप्लेस नेक्स्ट, ठीक है, तो जहाँ पर भी हॉस्पिटल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं पहले, तो जहां पर भी हॉस्पिटल डॉट मॉडल्स लिखा हुआ है कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल जो है एक बार फिर ट्राई करते हैं, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, एंटायर सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों का डॉट मॉडल्स है। यहां पर आप लोग देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स है, इसको भी चेंज किया अपॉइंटमेंट वाले में, तो आप लोग एप्लीकेशन यूजर को देखें तो एप्लीकेशन यूजर में आप लोगों का चेंज है, आप लोग अपॉइंटमेंट्स को देखें वहां पर भी आप लोगों का चेंज है, बिल को देखें तो बिल में चेंज नहीं है। ठीक है, तो फाइनली इज कंट्रोल एच हॉस्पिटल डॉट मॉडल्स, मैंने तो पूरा ही चेंज किया था, कंट्रोल एच हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, ये चेंज करना है हम लोगों को, ये भी चेंज करना है एंड ये भी चेंज करना है, इसने पहले फैच नहीं किया था, वन बाई वन हम लोग सारे के सारे जो हमारे पास हैं वो सभी के सभी हम लोग चेंज कर रहे हैं। इनम में स्टेटस है आप लोगों का, ये भी हम लोग चेंज कर देते हैं, तभी ये बोल रहा है कि अभी और कोई नहीं है। ठीक है, तो और बाकी को हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं सभी को, ठीक है, एंड द डिलीट ऑल। अब हम लोग वन बाय वन सभी मॉडल्स को चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन यूजर जो है आप लोगों के पास क्या होगा, आइडेंटिटी यूजर, ये देखिए नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, एड्रेस, ये मैंने बताया था आप लोगों को, और इसका जो रिलेशन है वो डिपार्टमेंट के साथ है। ठीक है, एक सिंगल डिपार्टमेंट आप लोग इसमें डाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स है, एक एप्लीकेशन यूजर जो है मल्टीपल अपॉइंटमेंट कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट हो। ठीक है, तो वो यूजर ही रहा, डॉक्टर भी यूजर है और वो भी यूजर है, तो अपॉइंटमेंट्स मल्टीपल हो गए, पेरोल्स मल्टीपल हो सकते हैं एंड पेशेंट रिपोर्ट्स भी मल्टीपल हो सकती हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पर जोड़ा है। जेंडर में हम लोगों ने मेल, फीमेल एंड अदर्स लिया है। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट्स अगर हम लोग टेबल देखें तो इसमें अपॉइंटमेंट्स में हमारे पास आईडी है, नंबर है, टाइप है, क्रिएटेड डेट है, कब का अपॉइंटमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, एंड एप्लीकेशन यूजर आ गया इसमें कि किसका अपॉइंटमेंट है, और डॉक्टर की भी आ गई है आप लोगों के पास आईडी। बिल को अगर हम लोग देखें तो आईडी, बिल नंबर, पेशेंट का आईडी आ जाएगा इसमें, इंश्योरेंस आ जाएगी, डॉक्टर चार्ज क्या है, मेडिसिन चार्ज क्या है, रूम चार्ज क्या है, ऑपरेशन चार्ज क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या है, नर्सिंग चार्ज क्या है, लैब चार्ज क्या है, एडवांस है, टोटल बिल्स हैं, ये सभी आ गए इसमें आप लोगों के पास बिल के अंदर। कॉन्टैक्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो आईडी, हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल ईमेल और फोन, क्योंकि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं हॉस्पिटल के, तो वो नंबर भी आ गए आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स के। डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, तो आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन आ गया, और एम्प्लॉयज का आ गया यहाँ पर, एप्लीकेशन यूजर एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, तो इसीलिए एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट भी आ गया। एंड हॉस्पिटल इन्फो अगर हम लोग देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल के बारे में है, नेम, टाइप, सिटी, पिन कोड, कंट्री, और एक हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। इंश्योरेंस के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो आईडी हो गई, पॉलिसी नंबर हो गया, स्टार्ट डेट कब की थी, एंड डेट कब की है, बिल जो है वो इंश्योरेंस में जुड़ा है या नहीं है, मतलब एक इंश्योरेंस में मल्टीपल बिल जो है वो जुड़ सकते हैं।
लैब के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो आईडी लैब नंबर हो गया, पेशेंट आईडी हो गई, इसमें आप लोगों के पास टेस्ट टाइप हो गया, टेस्ट कोड हो गया, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट रिजल्ट, ये बेसिकली हम लोगों ने लैब का इसी में जोड़ दिया है। एंड मेडिसिन आप लोगों के पास अगर आप लोग देखना चाहें तो आईडी, नेम, टाइप, कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन आप लोगों के पास आ गया। ये मेडिसिन है, मल्टीपल मेडिसिन रिपोर्ट हो सकती हैं, मल्टीपल मेडिसिन रिपोर्ट में और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन में मल्टीपल भी जा सकती हैं, ठीक है। और मेडिसिन रिपोर्ट जो है उसमें आप लोगों के पास मेडिसिन आ जाएगी एक, तो यहाँ पर आप लोगों ने सप्लायर देख लिया, मेडिसिन आ गई आप लोगों के पास, सप्लायर आईडी भी आ जाएगी और ये मेडिसिन रिपोर्ट हो गई। पेशेंट रिपोर्ट अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पर आएगी आईडी, डायग्नोस, डॉक्टर, पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। पेरोल अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों के पास आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, नेट सैलरी, हावरली सैलरी, बोनस सैलरी, कंपनसेशन अकाउंट नंबर वगैरह आ गए आप लोगों के पास। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों के पास आ गई आईडी, मेडिसिन एंड पेशेंट रिपोर्ट। एक हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं तो रूम नंबर कौन सा है, टाइप क्या है, स्टेटस क्या है, हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल वगैरह आ गए। सप्लायर अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेडिसिन के कौन कौन सा है, कंपनी कौन सी है, फोन क्या, ईमेल एड्रेस और मेडिसिन रिपोर्ट हो सकती है। टेस्ट प्राइस अगर आप लोग देखना चाहें तो आई टेस्ट कोड हो गया कि टेस्ट पर्टिकुलर कौन सा कोड है, उसकी क्या प्राइस है, लैब क्या है, बिल क्या है वगैरह वगैरह आ गया आप लोगों के पास। और टाइमिंग आप लोगों के पास आ गई है कि एक डॉक्टर की टाइमिंग जो है वो कैसे हम लोग सेट करें, स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, पेंडिंग है, कन्फर्म है, ये अपॉइंटमेंट हो गया डॉक्टर का कि किस वाइज हम लोगों को डॉक्टर को अपॉइंट करना है। ये तो पूरा का पूरा मॉडल्स हो गया आप लोगों के पास और इन मॉडल्स को हम लोग अब शिफ्ट करते हैं एप्लीकेशन टीबी कॉन्टेक्स्ट की ओर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे टाइमिंग मॉडल देख लिया आप लोगों ने एंड द फाइनली इज हम लोग क्या करेंगे, अब जो एप्लीकेशन टीबी कॉन्टेक्स्ट हमारी फाइल है जो कि रिपोजिटरीज के अंदर आती है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन मॉडल्स को ऐड कर देंगे। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पर हम लोग ये सारे मॉडल्स जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। नेम स्पेस रिजॉल्व कर लेते हैं, ये सारे मॉडल्स जो है वो आप लोगों के मॉडल्स जो प्रोजेक्ट है उसमें है, तो ऐड रेफरेंस हॉस्पिटल डॉट हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स, तो आप लोगों का यहाँ पर प्रोजेक्ट रेफरेंस जो है वो ऐड हो जाता है। एंड फाइनली आप लोग ओवरराइड मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओवरराइड हो गया और ऑन मॉडल क्रिएटिंग हो गया। और इससे पहले आप लोग जो हैं, जो हमारा टाइमिंग मॉडल है एक्चुअली में, उसमें हम लोगों को कुछ सेट करना पड़ेगा फ्लुएंट एपीआई के जरिए। तो हम लोग क्या सेट करते हैं, जैसे कि बिल्डर डॉट एंटिटी, ये क्यों किया है वो मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें हम लोगों को सेट करना, इसकी जो रेफरेंस की है डॉक्टर आईडी उसको हम लोग यूनिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें एक डॉक्टर आईडी आप लोगों के पास है टाइमिंग के अंदर, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। टाइमिंग के अंदर देखिए डॉक्टर आईडी जो है इसको हम लोग यूनिक बनाना चाहते हैं, तो टाइमिंग डॉट हैज इंडेक्स और एक्स टेंस टू एक्स डॉट डॉक्टर आईडी डॉट इज यूनिक, ठीक है। तो ये सारा कर दिया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों की बन गई, उसमें आप लोगों के पास जो कॉन्टेक्स्ट फाइल है वो ऐड हो गई है सारों, सभी को मैं सेव करके और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये मॉडल्स प्रिपेयर हो गया आप लोगों का, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी आप लोगों की प्रिपेयर होगी, रिपोजिटरी के अंदर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है आप लोगों की प्रिपेयर है। अब हम लोग आई जेनरिक रिपोजिटरी में दोबारा चलते हैं और जो आप लोगों का कंटेक्स्ट रिलेटेड एरर है वो हम लोग दूर कर लेते हैं। तो इसके इंटरफेस में तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इंटरफेस आप लोग देख चुके हैं इसका, जेनरिक रिपोजिटरी का। जेनरिक रिपोजिटरी के इंटरफेस में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसमें करेक्शन क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को गेट बाई आई डी है और गेट बाई आई डी एसिंक है, तो यहाँ पर हम लोग टी रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरी वेल, एंड आई जेनरिक रिपोजिटरी में हम लोग यहाँ पर आप लोगों के पास दोबारा से एरर आ जाएगा इसमें, ये देखिए यहाँ पर। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं इंप्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास जो एक एक्स्ट्रा जो मेथड है, जैसे कि टी गेट बाई आई डी एसिंक आ गया है आप लोगों के पास, और एक गेट बाई आई डी एसिंक आप लोगों के पास है जो कि इंप्लीमेंट कर रखा है, उसको हम लोग को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
अब हम लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट जो है मैंने इसमें ऐड की थी, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है। एंड फाइनली इस डीबी सेट, इसको कंट्रोल डॉट से माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये रिजोल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशियलाइज कर लिया एंड वॉइड ऐड एंटिटी हो गया एंड एसिंक जो डीबी सेट में ऐड कर दिया, एंटिटी को रिटर्न कर दिया। डिलीट में कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री डॉट एंटिटी स्टेट सबसे पहले डिटैच की, मतलब अगर अलग है तो उसे ऐड किया और उसे फिर रिमूव किया। तो ये डिलीट में होता है कि अगर हो सकता है कि वो एंट्री है ही नहीं तो उसे ऐड करेगा, डिलीट करेगा। एंड डिलीट एसिंक में भी सिमिलर ही आप लोगों के पास है, एंट्री को डिटैच करके अटैच करेगा और फिर रिमूव करेगा और रिटर्न कर देगा एंटिटी को। डिस्पोज आप लोग देख चुके हैं और मैं बता भी चुका हूँ कि डिस्पोज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये देखिए। एंड द फाइनली एज आप लोगों के पास गेट बाई आईडी है, जिसमें आप लोगों को डीबी सेट डॉट फाइंड करके आईडी भेजना होता है। अपडेट के अंदर आप लोगों के पास क्या है, वही सेम चीज, अटैच करके एंटिटी, एंटिटी डॉट स्टेट, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड आप लोगों ने कर दिया। एंड फाइनली इज अपडेट एसिंक, यही एंटिटी को आप लोगों ने सिमिलर किया है। एंड गेट गेट बाई आईडी एसिंक, इसमें आप लोगों ने वेयर कोज लगाना है, रिटर्न रिटर्न करके आप लोगों को क्या करना है, सेम डीबी सेट हम लोग यूज करते हैं इसमें, डीबी सेट ऑफ टी, सॉरी डीबी सेट हो गया ना, डीबी सेट डॉट आप लोगों को वेयर लगाना है एंड आप लोगों को क्वेरी लगानी है, यानी कि फिल्टर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट ये भेज देना है। तो रिटर्न कर दिया आप लोगों ने सिमिलर, तो आप लोगों ने जेनरिक रिपोजिटरी भी कंप्लीट कर ली। अब जेनरिक रिपोजिटरी के बाद में जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है यूनिट ऑफ वर्क का, तो वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिपोजिटरी के अंदर यूनिट ऑफ वर्क जो है वो मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऐड ए न्यू आइटम और उसमें इंटरफेस जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, इंटरफेस उसमें हम लोग लिख देते हैं आई यूनिट ऑफ वर्क और इसमें हम लोग दो मेथड ऐड कर देंगे। फर्स्ट में आप लोगों की जो जेनरिक रिपोजिटरी होगी वो कॉल हो जाएगी डॉट जेनरिक रिपोजिटरी वेयर टी इज अ क्लास नेम। एंड जेनरिक रिपोजिटरी आप लोगों को पता है कि आई जेनरिक रिपोजिटरी जो है वो क्या है एंड एक्सेसिबल मॉडिफायर व्हाट इज दिस, ओके गलती हो गई थोड़ी सी, इसको आप लोग सबसे पहले पब्लिक बनाएं एंड फाइनली आप लोग इसमें दो चीजें ऐड कर दीजिए, आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी वेयर टी इज अ क्लास एंड द सेव मेथड। तो यूनिट ऑफ वर्क आप लोगों ने बना लिया एंड द फाइनली इज, ये सारा सब कुछ मैं बता चुका हूँ। यूनिट ऑफ वर्क के नाम से हम लोग क्लास बनाते हैं, अब तो ऐड करते हैं एक नई क्लास और उस क्लास का नाम हम लोग रख देंगे यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब इस यूनिट ऑफ वर्क में हम लोगों को क्या यूज करना है, दिस, और इसमें है क्या आप लोगों के पास, ये देखिए आप लोग पब्लिक क्लास यूनिट ऑफ वर्क, आई यूनिट ऑफ वर्क से इसको यूज किया, इंप्लीमेंट किया आई डिस्पोजेबल के साथ, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज किया और कंस्ट्रक्टर में यूनिट ऑफ वर्क के कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज किया। साथ ही आप लोगों का डिस्पोज मेथड वही है और जो आई जेनरिक रिपोजिटरी मेथड हम लोगों ने बनाया था टाइप ऑफ टी, उसमें हम लोगों ने आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी रिटर्न करना है। सो आई जेनरिक रिपोजिटरी टी ऑफ रेपो इक्वल्स टू न्यू जेनरिक रिपोजिटरी आप लोगों को बनानी ऑफ टी, उसमें आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज कर देना है, बस इतना सा काम आप लोगों को करना है और सेव चेंजेस में आप लोगों का सिमिलर रहता है जैसे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। तो यूनिट ऑफ वर्क आप लोगों ने यहाँ पर बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेनरिक रिपोजिटरी यानी कि रिपोजिटरी आप लोगों की तैयार है। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टास्क करना है वो क्या करना है, हमारा जो वेब के अंदर हम लोग आइडेंटिटी ऐड करते हैं, सो फाइनली हम लोग आइडेंटिटी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं आइडेंटिटी न्यू स्कैफोल्डिंग आइटम और यहाँ पर आप लोगों के पास आइडेंटिटी का ऑप्शन है लेफ्ट पैनल में, आइडेंटिटी ऐड करते हैं। ये जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों हम लोग जो हैं आप लोगों को ये सारा सब कुछ जो है बेसिकली सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर कंप्लीट करवाते हैं, तो एक स्केल्टन जो है वो तैयार कर रहे हैं और मॉडल्स भी हम लोगों ने बना लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल्स को हम लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में ही ऐड करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनाएंगे, अब नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर बना देता है हमारी, यहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि हमारी जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो ऐड नहीं है एज ए रेफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करते हैं, डिपेंडेंसीज पर राइट क्लिक कीजिए,
ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस कर लीजिए, और आप लोगों की जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो आप लोगों के रिपोजिटरी फोल्डर में है, तो जस्ट आप लोग उसे ओके कर दीजिए। तो ये ऐड हो गया। एंड फाइनली आइडेंटिटी हम लोगों को ऐड करनी है, तो न्यू स्कैफोल्ड आइटम एंड आइडेंटिटी ऐड कर लेते हैं। जब आप लोग आइडेंटिटी को ऐड करोगे तो आप लोगों को जस्ट एग्जांपल आप लोगों को एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगी, और उसमें से आप लोगों को क्या ऐड करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस रिमूव करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो ओवरराइड कर देते हैं सभी फाइल्स को। एंड फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर रिक्वायर्ड में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट रिपोजिटरीज में आ गया, एंड देन ऐड। ये ऐड करने के बाद हम लोग जो है डीबी इनिशियलाइजर क्लास बनाएंगे, क्योंकि रोल्स भी हम लोग पहले से ही बनाते हैं, और सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग सारा सभी चीज़ें जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो डीबी इनिशियलाइजर क्लास इसमें यूटिलिटी फोल्डर में हम लोगों को बनानी है। एंड फाइनली हम लोग व्यू मॉडल्स की ओर जाएंगे, कि वन बाय वन हम लोग व्यू मॉडल्स से जाएंगे, फिर हम लोग कंट्रोलर्स में आएंगे, कि व्यू मॉडल्स के बेस पर हम लोग जो है तैयार करेंगे कंट्रोलर्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एरियाज फोल्डर के अंदर आइडेंटिटी जो है वो हमारा फोल्डर आ चुका है, इसका मतलब आइडेंटिटी जो है वो ऐड हो चुकी है। तो ये जो डाटा वाला फोल्डर हमारे पास आया है इसको हम लोग डिलीट करेंगे, क्योंकि डाटा फोल्डर की जरूरत हम लोगों को नहीं है। एंड द फाइनली इस प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस यूज सीक्वल सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट ऐड हो चुकी है। और अगर आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को देखना चाहें तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों के पास है, जिसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है कनेक्शन आप लोगों के पास ऐड कर दिया गया है। अगर आप लोग इसको भी देखें तो ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास ऐड होकर आती है जब आप लोग आइडेंटिटी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट रिपोजिटरी डॉट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है। वेरी वेल गुड, आप लोगों के पास सही है। अब हम लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में जाते हैं और हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली बनकर आ जाती है, जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट वैब के नाम से है, और ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू है। एंड देन फाइनली सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐप सेटिंग्स बन चुकी थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दोनों स्टेप्स जो है स्किप कर चुका हूँ, क्योंकि ये अब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द फाइनली इज आप लोगों को ऐड डिफॉल्ट आइडेंटिटी, इसमें ये जो ऑप्शंस है रिक्वायर्ड कन्फर्मेशन अकाउंट एक बार के लिए हम लोग हटा देते हैं, इन फ्यूचर हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको काम में ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ सही हो गया। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं और फाइनली हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को यूटिलिटी फोल्डर में जाना है, वेब यूटिलिटी फोल्डर, और इसमें हम लोगों को एक कॉन्स्टेंट जो है क्लास बनानी है, जिसके हम लोग बोलते हैं SD, ठीक है, जिसमें हम लोगों को स्टैटिक जो रोल्स हैं वो डिफाइन करने होते हैं। तो वेबसाइट रोल्स हम लोग क्लास बना लेते हैं, वेबसाइट रोल्स, ठीक है। वेबसाइट रोल्स जो है बेसिकली, तो यहाँ पर ये पब्लिक क्लास रहेगी पब्लिक, और इसको बाद में हम लोग स्टैटिक भी बना देंगे, ताकि हम लोग डायरेक्टली ये तीनों रोल्स जो हैं वो यूज़ कर पाएँ, एडमिन, पेशेंट एंड डॉक्टर। ये तीन रोल्स जो हैं बेसिकली हम लोग एक वेबसाइट में बनाएंगे, इसीलिए मैं डीबी इनिशियलाइजर जो क्लास है वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्लास बनाऊँगा IDB इनिशियलाइजर, और वो मैं इंप्लीमेंट कर लूँगा डीबी इनिशियलाइजर क्लास, ठीक है। तो मैं इसमें यूटिलिटी फोल्डर में ही ऐड कर लेता हूँ ऐड न्यू आइटम, और आप लोगों को एक क्लास ऐड करनी है इसमें, मुझे इंटरफेस ऐड करना है, और इसमें मैं क्या ऐड कर लेता हूँ, IDB इनिशियलाइजर नाम से एक इंटरफेस जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, IDB इनिशियलाइजर जो है उसमें एक मेथड ऐड कर लेते हैं, void initialize मेथड, और इस initialize जो मेथड है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रोल्स हैं और एक डिफॉल्ट एडमिन जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग एक क्या कर लेते हैं, यूटिलिटी फोल्डर के अंदर एक ऐड कर लेते हैं एक नई क्लास। इस क्लास का नाम आप लोगों को बेसिकली वही रखना होता है जैसे कि DB initializer मैंने रखा, और इस DB initializer को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है DB initializer से, और initialize मेथड के अंदर हम लोगों को लिखने हैं मेथड्स, ठीक है, या लॉजिक। तो DB initializer जब मैंने यूज़ किया तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, ये मेथड्स लिखूंगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लास जो है DB initializer क्लास है, जो कि IDB initializer से इनहेरिट है। इसमें मैंने तीन चीज़ें बेसिकली काम में ली हैं, वो है यूज़र मैनेजर, रोल मैनेजर और एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर यूज़र मैनेजर को रिजॉल्व कर लेते हैं। यूज़र मैनेजर आप लोगों को पता है कि किसमें मिलता, आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क में ही आप लोगों को, या आइडेंटिटी वाले पैकेज में आप लोगों को मिलेगा। सो हम लोगों के पास जो आइडेंटिटी वाला पैकेज है वो हम लोगों ने रिपोजिटरी वाले पैकेज में किया था, तो इसकी एडिट प्रोजेक्ट फाइल हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर
या जो SQL सर्वर के पैकेजेस है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं आइटम ग्रुप के अंदर। सो हम लोग आइटम ग्रुप को ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो यूटिलिटीज़ वाला फोल्डर है जस्ट एडिट प्रोजेक्ट फाइल एंड यहाँ पर हम लोग एक बना लेंगे आइटम ग्रुप। ठीक है, तो आइटम ग्रुप हमारे पास आ गया एंड फाइनली हम लोग ये 6.0.9 वाला जो पैकेज है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हम लोग सेव कर लेते हैं सारे के सारे और यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आप लोगों ने देखा कि IDB initializer के अंदर बाय डिफॉल्ट एक आइडेंटिटी वाला पैकेज ऐड हो चुका है, तो अब हम लोग कंट्रोल डॉट कर सकते हैं और ये रिमूव कर सकते हैं एरर्स नेम स्पेस से रिलेटेड। तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर डॉट आइडेंटिटी का पैकेज इसमें है, तो ये रिजोल्व हो गए हैं। और रेफरेंस भी हम लोगों को ऐड कर रहे हैं एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट हमारी है एग्जिस्ट करती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट रिपोजिटरीज वाले फोल्डर में या प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने ये तीनों के तीनों ही जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तीनों के तीनों ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज हैं। एंड द फाइनली इज हम लोगों को इनिशियलाइज मेथड में हम लोगों ने क्या लिखा, अगर आप लोगों के पास कोई पेंडिंग माइग्रेशंस हैं जिसमें आप लोगों ने डाटाबेस को अपडेट नहीं किया है और माइग्रेशन आप लोगों के पास है, तो वो डाटाबेस को माइग्रेट कर देगा। ठीक है, माइग्रेट कर देगा मतलब डाटाबेस उस चीज़ का बना देगा। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल डॉट करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की है जिसमें ये मेथड है गेट पेंडिंग माइग्रेशन, तो ये रिजोल्व हो जाती है। नेम स्पेस से रिलेटेड रिजोल्व करने के लिए आप लोग कंट्रोल और डॉट की आप लोग दबाएंगे तो आप लोगों को रिफैक्टरिंग सेटिंग जो है वो मिल जाएगी जिसमें आप लोग ये रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में ट्राई एंड कैच के बाद में जब हम लोगों ने इफ़ लिखा, तो हम लोगों ने चेक किया कि रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट वेबसाइट रोल डॉट वेबसाइट एडमिन एंड गेट अवेटर गेट रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि एडमिन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगर नहीं करता है तो ये तीन रोल जो है बेसिकली ऐड हो जाते हैं आप लोगों की वेबसाइट के अंदर, एडमिन हो गया, पेशेंट हो गया और डॉक्टर हो गया बाय यूजिंग रोल मैनेजर। आप लोग रोल मैनेजर से ये तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है हम लोगों को एक एडमिन बनाना होता है, सो हम लोगों ने हरकेस@xyz.com से बनाया है। ये हमारा यूज़र है, हमारा एम्प्लॉयर है आप लोग बोल सकते हैं, ये काम करता है और उसी ने अपने आप को एडमिन बनाया हुआ है। तो यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंग से एक यूज़र ऐड होता है, साथ में उसका पासवर्ड भी दिया जाता है, तो पासवर्ड एडमिन का बाई डिफॉल्ट होगा hrkes@123। ठीक है, सो एप्लीकेशन यूज़र में हम लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन यूज़र में मैंने जस्ट कंट्रोल डॉट किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट मॉडल्स में मैंने इसको रिजोल्व कर लिए प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये हमारे उसमें था। तो अब हम लोगों को गेट अवेटर गेट रिजल्ट हम लोगों ने लिखा। यहाँ पर आप लोगों के पास ऐप यूज़र कॉन्टेक्ट डॉट एप्लीकेशन यूज़र फर्स्ट और डिफॉल्ट ईमेल हम लोगों ने hrkes@xyz.com दिया। ये क्या लिखा है, सबसे पहले एक यूज़र मैनेजर ऐड होगा, यूज़र मैनेजर से यूज़र ऐड होगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन यूज़र ऐड हो गया, उसके बाद में इसने सर्च किया कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, hrkes@xyz.com यस एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ऐप यूज़र नल नहीं है। सो फाइनली उसको यूज़र मैनेजर के द्वारा रोल ऐड कर दिया जाता है। रोल कौन सा होगा, एडमिन। इस यूज़र को रोल असाइन कर दिया गया एडमिन। तो इस प्रकार ये DB initializer जो क्लास है आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है और आप लोग जो है मॉक डेटा जो है वो आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग इसको भी क्लोज कर देते हैं और हम लोग इस डाटा को सीडिंग करने के लिए भेज देंगे हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जब आप लोग आइडेंटिटी को यूज़ करोगे तो आप लोगों को मेल सेंडर और ईमेल सेंडर क्लास की ज़रूरत होगी, इसीलिए आप लोगों को ईमेल सेंडर नाम से क्लास बनानी पड़ेगी। तो यूटिलिटी वाले फोल्डर में हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं ईमेल सेंडर, तो क्लास ऐड कर लेते हैं और इस क्लास का नाम होगा ईमेल सेंडर। सो फाइनली हमारे पास एक क्लास है ईमेल सेंडर, सो पब्लिक, और इसको हम लोग ईमेल सेंडर को इनहेरिट करेंगे आई ईमेल सेंडर से। आई ईमेल सेंडर जो है बाय डिफॉल्ट किसमें पाया जाता है आप लोग देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोड आइडेंटिटी डॉट UI। इसका लेटेस्ट पैकेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और आप लोगों के पास UI पैकेज इंस्टॉल, एक मिनट दो मिनट लगेंगे, उसके बाद में इंस्टॉल हो जाएगा और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दूर भी हो जाएगी। हो गई, अब हम लोग क्या पर करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। सो इम्प्लीमेंट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास आ जाता है सेंडिंग ईमेल एसिंक्रोनस। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट रिटर्न टास्क डॉट कम्प्लीटेड टास्क। ये हम लोगों ने एक बार के लिए एक टास्क जो है वो रिटर्न कर दिया उसको कि ईमेल जो है वो आप लोगों की भेजी जा चुकी है। तो ये ईमेल जो है सर्विस भी हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलिटी वाले फोल्डर के अंदर बना ली है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि IDB initializer हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोगों को program.cs फाइल में अब इसको इनिशियलाइज करना है और जितनी भी डिपेंडेंसीज थी उन्हें इंजेक्ट करना है हमारी सर्विसेज के अंदर और हमारी बिजनेस पाइपलाइंस के अंदर।
सो फाइनली हम लोगों ने program.cs फाइल ओपन कर ली है और उसे कॉन्फिगर हम लोगों को अब करना है। सो फाइनली वेब प्रोजेक्ट उसको हम लोगों को करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा filter.services.addidentity हम लोगों को फोल्डर का हमारे पास तो यहाँ पर ऐड इनिशियलाइजर, ठीक है। आईडी इनिशियलाइजर को आप लोगों को मिलना है, ये देखिए ऐड रेफरेंस आ गया आप लोगों के पास यूटिलिटी का, तो आप लोग ये ऐड कर दीजिए और उसके बाद में आप लोगों को डीबी इनिशियलाइजर जो क्लास है उससे इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। सो फाइनली यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं डीबी इनिशियलाइजर, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने ये यूज कर लिया। अब सिमिलरली आप लोगों को यही जो चीज़ है वो ईमेल सर्विस के लिए भी कॉन्फिगर करनी है। देखिए तो यहाँ पर आप लोग लिखें आई ईमेल सेंडर और यहाँ पर आप लोग लिखें ईमेल सेंडर, ठीक है। ईमेल सेंडर कॉन्फिगर हो चुकी है। ईमेल सेंडर के लिए आप लोगों को पैकेज की ज़रूरत होती है, तो यूआई वाला पैकेज जो है वो ऑलरेडी ऐड है, तो आप लोगों की ये सर्विसेज भी ऐड हो चुकी है। अब आप लोग जो हैं बेसिकली क्या करेंगे, जो कुकीज होती हैं उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों का पाथ जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को कुकीज जो है वो इनेबल्ड करनी पड़ेंगी और इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा builder.services.configure application cookies। कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज़ का मतलब है कि आप लोगों को एप्लीकेशन की कुछ कुकीज़ होती है जिसमें आप लोगों को लॉगिन लॉगआउट यूआरएल जो है वो बताना पड़ता है, उसका पाथ बताना पड़ता है। सो ऑप्शंस डॉट एक्सेस डिनाइड पाथ जो है वो क्या होगा, अगर आप लोगों ने किसी कई एप्लीकेशन में रोल्स लगा रखे हैं और आप लोग चाहते हैं कि दूसरे यूज़र जो है उसे ना देख पाए रोल्स के जरिए एक्सेस डिनाइड करना चाहते हैं, तो आप लोगों का पाथ ये है आइडेंटिटी अकाउंट एक्सेस डिनाइड। एंड जब आप लोग ऑप्शंस लॉगिन पाथ करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो है ये होगा आइडेंटिटी अकाउंट एंड लॉगिन। लॉगआउट पाथ आप लोगों का ये बनेगा आइडेंटिटी अकाउंट एंड लॉगआउट। सो बेसिकली आप लोगों ने एप्लीकेशन जो कुकीज़ हैं वो इनेबल्ड कर दी हैं। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमारे पास आईडी इनिशियलाइजर में मैंने इनिशियलाइज कर दी थी, तो हम लोग सीडिंग वगैरह करेंगे और रेजर पेजेस ऐड करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है builder.services.addRazorPages। तो रेजर पेजेस हमारे आइडेंटिटी के सारे रेजर पेजेस ही हैं। सो फाइनली हम लोगों को यहाँ पर यूज भी करना पड़ेगा app.mapRazorPages, ठीक है। एंड फाइनली हम लोगों को जो सीडिंग वाला मेथड है वो कॉल करना पड़ेगा डाटा सीडिंग के नाम से। तो ये हम लोग पहले ही कर लेंगे डाटा सीडिंग, ठीक है। तो डाटा सीडिंग जैसे ही स्टैटिक फाइल्स होंगी डाटा सीड कर जाएगा और आप लोगों का ये जो मेथड है कॉल हो जाएगा डाटा सीडिंग। इसमें आप लोगों के पास वेरिएबल स्कोप ऐप सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप बन गया, IDB इनिशियलाइजर कॉल हो गई, ठीक है, यहाँ से, और वो इनिशियलाइज जो मेथड था वो कॉल हो गया जिसमें आप लोगों का डिफॉल्ट यूजर जो है वो बन जाएगा, यानी कि आप लोगों के रोल्स असाइन हो जाएंगे और आप लोगों का यूजर जो है वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन आप लोगों की है, राउटिंग हो गया, सीडिंग हो गया, मैप रेजर पेजेस हो गया। सो फाइनली आप लोगों की ये क्लास जो है ये भी आप लोगों की बेसिकली कॉन्फिगर हो चुकी है। अब ये फाइल जो है मैं एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ, सेव करके क्लोज कर देता हूँ। एंड फाइनली आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास जो मॉडल्स थे वो भी हम लोगों ने क्लियर किए हैं, रिपोजिटरी क्लियर हो गई है। अब बात आती है आप लोगों की सर्विसेज की और व्यू मॉडल्स की। तो आप लोगों की सर्विस और व्यू मॉडल्स जो है आप लोगों को ऐड करने हैं, वन बाई वन हम लोग उनको मॉडल्स के वाइज व्यू मॉडल्स बनाएंगे और हम लोग उन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो साथ में हम लोगों को कुछ कंट्रोलर्स भी बनाने पड़ेंगे जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो आप लोग देखिए कि एडमिन के अंदर आप लोगों के पास कंट्रोल एंड व्यूज हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड आइडेंटिटी के अंदर फोल्डर्स हैं। आइडेंटिटी जब आप लोगों की ऐड हो जाती है तो आप लोगों को सबसे पहले व्यू के अंदर लेआउट के अंदर शेयर्ड के अंदर लेआउट जो पेज आता है उसमें जो यूएल टैग आप लोगों के पास मिलता है बाई डिफॉल्ट, आप लोग देखिए यूएल टैग यहाँ पर खत्म होता है, तो उसके बाद में आप लोग जो है पार्शियल पेज ऐड कर सकते हैं, पार्शियल एंड द नेम इक्वल्स टू
अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल। आप लोग जैसे ही ये ऐड कर देते हैं पार्शियल नेम कुछ लॉगिन पार्शियल, सो आप लोगों का जो फर्स्ट यूआई पेज है वो आप लोगों को दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। एंड द फाइनल आप करेंगे और उसमें आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन। तो इसमें आप लोगों ने फर्स्ट पेज जो है वो डिफाइन नहीं किया है अभी, तो हम लोग वेब को यहाँ पर राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज कर देते हैं। अब हम लोगों को माइग्रेशन लगाना है, सो ऐड माइग्रेशन। और जो हमारा डाटा कॉन्टेक्स्ट फाइल है यानी कि सर्विसेज हमारे पास है बाय डिफॉल्ट, जो अगर आप लोग देखें रिपोजिटरीज हैं और हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पर इनिशियल माइग्रेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास कुछ पैकेजेस हैं जो कि नहीं है वेब के अंदर, या रिपोजिटरीज के अंदर पैकेजेस नहीं है, तो हम लोग रिपोजिटरीज को ओपन करते हैं, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस और एंटिटी फ्रेमवर्क और टूल्स। ये पैकेज आप लोगों के पास है रिपोजिटरी के अंदर लेकिन स्टार्टअप प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, सो मैनेज न्यूगेट पैकेज। टूल्स पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, ये तो पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर हम लोग देखें वेब एंड रिपोजिटरी को मैनेज न्यूगेट पैकेजेस या एडिट प्रोजेक्ट फाइल, तो ये पहले से आप लोगों के पास है और प्रोजेक्ट फाइल में भी आप लोगों के पास इसका पैकेज है, तो पैकेज मैनेजर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए मैनेजमेंट डॉट ये आप लोगों के पास मैसेज आया है, एड माइग्रेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ सी एम, जबकि आप लोगों के पास पैकेज तो है। हम लोग इसको कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं सारा और बिल्ड कर देते हैं एक बार के लिए। बिल्ड हो जाए आप लोगों के पास जो है, अगर कोई एरर है तो वो आप लोगों के सामने आता है। ठीक है, तो ये सक्सीडेड हो चुका है। एंड द फाइनली इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉट रिपोजिटरी एड माइग्रेशन इनिशियल। ये देखिए माइग्रेशन मैंने लगा दिया है यहाँ पर और ये सारा माइग्रेशन लग भी चुका है। फाइनली हमारे पास माइग्रेशन जो टेबल है वो बनकर भी आ गई है। और माइग्रेशन लगाने के बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की जो डाटाबेस टेबल्स हैं वो बन जाएंगी जब हम लोग अपडेट डाटाबेस यहाँ पर यूज़ करेंगे। अपडेट डाटाबेस करने के बाद हम लोगों को सर्विसेज बनानी है और साथ ही मॉडल्स भी बनानी है, तो ये हम लोग जो है हमारा जो कंट्रोलर है हमारा जो वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। उसका दूसरा वीडियो जो होगा उसमें हम लोग बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं इसके वो सारे फिनिश करते हैं, और ये भी वो भी दो घंटे का होगा तीन घंटे का होगा। तो ये तीन से चार वीडियो में हम लोग बेसिकली पांच या छह वीडियो में हम डॉक्टर जो होते